एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। हमने ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को रूल ऑफ लॉ को एकदम बेसिक वे में अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेकेंड लेक्चर वीडियो है जिसमें हम डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ को समझेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने एडवर्ड कोक के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या है, यानी इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड कोक, हमने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। आज इस वीडियो में हम डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को समझेंगे विद प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम्पल्स। तो पेन कॉपी आप लेकर के बैठ जाओ, हम साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए, तो रूल ऑफ लॉ के जनरल मीनिंग को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेकेंड पार्ट है, तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो उस वीडियो को पहले देख लो। चलो, तो अगर हम डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को देखें तो डाइसी ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जैसे देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास अगर हम उन्हें इनफ पावर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो अपने उस पावर का मिसयूज करेंगे। तो हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ज़्यादा पावर नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर हम उन्हें मोर देन द रिक्वायरमेंट पावर्स देते हैं तो वो उस पावर का आर्बिट्रेरी मैनर में यूज़ करेंगे। दे विल एक्सरसाइज दियर पावर इन आर्बिट्रेरी मैनर। तो डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल द पावर्स मस्ट नॉट बी सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट। दूसरा, नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर इन बॉडी और डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट विथ द ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक कोई पर्सन ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करता है तब तक ना तो वो सफ़र करेगा इन बॉडी, ना ही उसे डिप्राइव्ड किया जाएगा फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, राइट। यानी इन्होंने, अगर हम इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आर्टिकल 21, जो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। ओके, तो आप लिख लो डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जितना भी रूल ऑफ लॉ के बारे में आपने अभी तक लिखा है उसके आगे आप लिखोगे डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम दो स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे, एक एडवर्ड कोक, क्योंकि एडवर्ड कोक को रूल ऑफ लॉ के ओरिजिनेटर के रूप में देखा जाता है, और दूसरा डाइसी, ठीक है। तो डाइसी इज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। डाइसी ने कहा कि रूल ऑफ लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था।
इन द ईयर 1885. तो अकॉर्डिंग टू डाइसी रूल ऑफ लॉ हैज द फॉलोइंग principles, and these principles were given in his book jiska naam tha Law of Constitution, titled Law of Constitution. तो अपने बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को लेकर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को बताया, जिसमें से जो पहला था वो ये था कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हम उन्हें एक्सेस पावर नहीं ग्रांट कर सकते हैं. क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर मोर देन द रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को एक्सेस पावर दिया जाता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो उन पावर्स का आर्बिट्रेरी मैनर में यूज करेंगे. राइट. तो देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. और दूसरा प्रिंसिपल ये था कि नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर इन बॉडी और डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ. अगर कोई पर्सन ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करता है, जब तक एक पर्सन ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करता है या लॉ के प्रोविजंस को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ही शुड नॉट सफर इन बॉडी इन एनी वे एंड ही मस्ट नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. तो ये दूसरा प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का, जिसे दिया किसने, डाइसी ने अपने बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. तीसरा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ. क्योंकि आप जानते हो कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द लॉ. राइट. एक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स के इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस पोजिशन, एक्शंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज बाइंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. यही है रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट. राइट. अच्छा, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर इन बॉडी और डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, इस सेम कंसेप्ट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में देख सकते हैं, जहां ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. ठीक है, यानी यही मतलब है कि जब तक आप ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करते हो, तब तक आपको कोई पर्सन अरेस्ट नहीं कर सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जाएगा. राइट. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट इज मोर इनटू रिफॉर्मेटिव अप्रोच रादर देन पनिशिंग अप्रोच. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अरेस्टेड पर्सन्स को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. ओके. तो ये था. तो यानी रूल ऑफ लॉ क्या है, अगर हम डाइसी के वर्ड्स में देखें तो हम ये कह सकते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी,
रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज द फॉलोइंग, ठीक है। तो अपने अब तक के डिस्कशन को अगर हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि डाइसी के अनुसार जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिन बेसिक प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया था। अब हम ये समझेंगे अपने अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि रूल ऑफ लॉ के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी, राइट। तो आप लिखोगे इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी, इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज दैट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लिखेंगे। देखो पहला कहता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन। रूल ऑफ लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन, यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या कोई भी पर्सन, उस पर्सन के स्टेटस, उस पर्सन के पोजीशन के बेसिस पे हम उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अगर कोई पर्सन है जो हायर रैंक पे है, हायर स्टेटस पे है, हायर पोजीशन पे है, अगर वो कोई रूल ब्रेक करता है या कोई एक्ट करता है जो इन द आईज ऑफ लॉ पनिशेबल है, तो उसे भी सेम पनिशमेंट ग्रांट किया जाएगा जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को ग्रांट किया जाएगा इन रिपीटिंग द सेम ऑफेंस, राइट। ओके, दूसरा कहता है कि ऑल द पर्सन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ। एक पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स के रिस्टोरेशन या एक पर्सन जस्टिस के लिए जिन कोर्ट्स को अप्रोच करेगा, यानी जो भी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं जिनका सहारा लेकर के एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने राइट्स को सिक्योर करता है, जस्टिस चाहता है, उन्हीं कोर्ट्स ऑफ लॉ के जो डिसीजंस होंगे, उन्हीं कोर्ट्स ऑफ लॉ के जो जजमेंट होंगे वो सभी पर्सन्स पे एप्लीकेबल होंगे, यानी कोई भी पर्सन है वो उन्हीं कोर्ट्स का इस्तेमाल करके अपने राइट्स को रिस्टोर कराएगा, यानी एवरीबडी इज सब्जेक्टेड टू द सेम कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। ओके, तीसरा कहता है एवरीवन शुड बी गवर्न्ड बाय लॉ पास बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं वो जो भी लॉज पास करेंगी वो लॉज सभी पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, राइट। फोर्थ वन इज द राइट्स ऑफ पीपल मस्ट फ्लो फ्रॉम द कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लोगों का जो राइट है वो फ्लो करेगा, राइट्स ऑफ द पीपल विल फ्लो फ्रॉम द कस्टम एंड ट्रेडिशंस विच दे फॉलो। जो भी कस्टम्स, जो भी ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हो, तो आपके जो राइट्स हैं वो उन्हीं कस्टम, उन्हीं ट्रेडिशन से डिराइव होते हैं। जिन भी कस्टम्स को, जिन भी ट्रेडिशंस को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे कि राइट टू वर्शिप, ये भी क्या है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है आपका। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने का अधिकार है, वो उन्हें उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन से मिला है, उसी तरह पूजा पाठ करने का भी अधिकार आपको मिलता है, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री जिसमें हम सभी तरह के धर्मों को
मानते हैं, यानी इंडिया में इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एवरीबडी इज फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन. सभी लोग क्या है, अपने रिलीजन को, अपने कस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं. ठीक है, ओके. तो जो राइट्स हैं पीपल का, इट विल फ्लो फ्रॉम द कस्टम एंड द ट्रेडिशंस विच दे फॉलो एंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ठीक है, ओके. तो अब आप लिखोगे कि इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी, रूल ऑफ लॉ एम्प्लाइज, पहला, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन. दूसरा, ऑल द पर्सन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लॉ. तीसरा, एवरीवन शुड बी गवर्न बाय द लॉ, एवरीवन शुड बी गवर्न बाय द लॉ. Passed by legislative organs of the state. और last है, rights of people must flow from custom and traditions. Which are recognized by court for the administration of justice. ठीक है, तो ये है आपके रूल ऑफ लॉ के मतलब इन द वर्ड्स ऑफ डाइसी. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी इम्प्लाइज दैट, पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, इवन गवर्नमेंट इज सब्जेक्टेड टू द लॉ. ठीक है, दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन. ठीक है, और तीसरा, प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जिसमें हम गारंटी देते हैं टू द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पीपल, आर्टिकल 21. फिर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एक्सेप्ट विद द ब्रीच ऑफ लॉ. इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अरेस्टेड पर्सन्स को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट. तो ये सभी क्या हैं, कुछ राइट्स हैं. राइट टू फ्री लीगल एड, फिर है फ्री एक्सेस टू कोर्ट्स. तो आगे आप लिखोगे
तो आगे आप लिखोगे इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू डाइसी रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज दैट पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जिसमें हम तीन बातों को बताएंगे, जिसमें हम तीन बातों को कवर करेंगे, जैसा गारंटी ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, दूसरा फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, एक्सेप्ट विथ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है, और तीसरा है आपका फ्री एक्सेस टू द कोर्ट्स, ठीक है, ओके। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आज के इस वीडियो में हमने डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को जाना विथ प्रॉपर नोट्स। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।